हेलो स्टूडेंट्स, आपका आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठेर का जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपका स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ। आज कई डेरिवेशन मैंने करा दिए हैं, उसी कड़ी में एक अगला डेरिवेशन भी आपको कराते हैं। आज का डेरिवेशन है कि रेखीय आवेश वितरण के कारण, रेखीय आवेश वितरण के कारण ए दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये फाइंड करेंगे। फिर से देखिए, रेखीय आवेश वितरण के कारण ए दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। रेखीय आवेश वितरण माने एक लाइन के फॉर्म में आवेश डिस्ट्रीब्यूट है, ये लाइन के फॉर्म में आवेश डिस्ट्रीब्यूट है। देखो, ये जो लाइन है, इस लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, माने कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसा नहीं है, हर प्लेस पर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। माने जितना इस सिरे पर है उतना ही बीच में है, उतना ही यहाँ, माने हर प्लेस पे यूनिफॉर्मली माने समान रूप से आवेश वितरित है। और इसके जो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ए दूरी पर एक पॉइंट है पी, इस पॉइंट से ए दूरी पर इसका ये एंड ए मान लेते हैं और इसको बी एंड मान लेते हैं। ये ए हो गया और ये हो गया बी। इस पॉइंट से ए दूर हमें पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब देखिए, ये चूंकि पॉजिटिवली चार्जेड है, ये जो लाइन है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आवे होती है, दूर होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये जाएगा। डी क्यों लिखा? क्योंकि हम इसको डेरिवेट करने के लिए इसका एक एलिमेंट लेंगे, इसलिए डी लिखा है। वैसे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई होगी, लेकिन हमने डी क्यों लिखा? क्योंकि हम इसको डेरिवेट करने के लिए इसका एक फ्रिक्शन पार्ट ले लेंगे, छोटा सा एलिमेंट। ये जो छोटा सा एलिमेंट है, ये डी एक्स हमने काट लिया, ये एलिमेंट जो हमने काटा है ब्लैक, ये डी एक्स है। और ये डी एक्स एलिमेंट इस पी पॉइंट से कितने दूर है? एक्स दूर है। इस पी पॉइंट से इस एलिमेंट की जो दूरी है वो एक्स है। अब हम जानते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है कि ये जो पूरी लेंथ है, अगर मैं इस वायर की लेंथ को एल कहूँ, ये पूरे जो ये वायर है इसकी लेंथ को मैं एल ले लूँ, कैपिटल एल, तो ये लेंथ कैपिटल एल हो गई, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी? तो यहां लिखेंगे रेखीय आवेश घनत्व। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। लैम्डा बराबर होता है चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ, यानी कि आवेश बटे लंबाई, आवेश बटे लंबाई। आवेश कितना है? आवेश इस पर मान लिया हमने टोटल चार्ज, कुल आवेश इस लाइन पर क्यू है, कुल आवेश लाइन पर क्यू है, टोटल आवेश लाइन पर क्यू है, इस लाइन पे टोटल आवेश कितना है? क्यू है।
तो आवेश क्यों हो गया? और इस पूरे वायर की जो लेंथ है बोयल है तो, और इसको लैम्डा से शो कर दिया आवेश घनत्व को, लैम्डा बराबर फार्मूला निकल के आया क्यू बाई एल। अब चूंकि ये बहुत इसी लाइन इसी वायर का ये बहुत छोटा सा सेगमेंट है, बहुत छोटा सा खंड है, तो इस पे चार्ज भी बहुत कम होगा क्योंकि पूरी तो लेंथ है एल है और ये छोटा सा उसका फ्रिक्शन पार्ट है डीएक्स। तो जब पूरे पे चार्ज क्यू है तो इस छोटे से पे क्यू तो हो नहीं सकता, तो इस पे चार्ज कितना मानेंगे? बहुत छोटा मानेंगे डी क्यू। तो अगर हम चार्ज डेंसिटी निकालें तो हम फिर से निकाल सकते हैं कि लैम्डा बराबर, अगर ये छोटा लेंगे तो ये हो जाएगा डी क्यू, और ये एल, एल भी बहुत छोटा सा होगा, ये डी एक्स होगा। डी इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? डी एक्स लिख सकते हैं या डी एल। अब चूंकि डी एल हमने नहीं कहा है, डी एक्स कहा है, तो हम यहाँ डी एक्स लेंगे। डी क्यू बराबर हम निकाल सकते हैं यहां लैम्डा डी एक्स। अगर डी क्यू की जगह हमें आवश्यकता पड़ी तो डी क्यू की जगह हम क्या रख देंगे? लैम्डा डी एक्स रख देंगे। अब इस पॉइंट के कारण ये जो छोटा सा एलिमेंटली लाइन है, एलिमेंट है लाइन का जो छोटा सा पार्ट है, इस पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डी है, जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव से दूर होता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकालेंगे? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे डी बराबर, डी बराबर के डी क्यू, के क्यू आता है लेकिन क्यू नहीं आएगा क्योंकि पार्ट बहुत छोटा है, तो उसका चार्ज तो डी क्यू है। और कितनी दूर है ये पी पॉइंट इससे? तो पी पॉइंट एक्स दूर है, तो यहां हम एक्स लेंगे। लेकिन अब इस पार्ट ऐसे एलिमेंट इसमें कितने बनेंगे? बहुत सारे एलिमेंट बनेंगे भाई, एक डी एक्स ये बन गया, एक इसके पास में डी एक्स बनेगा, एक उसके पास डी एक्स बनेगा, एक उसके पास डी एक्स बनेगा, ऐसे बहुत सारे डी एक्स बनेंगे यहाँ तक, ऐसे ही बहुत सारे डी एक्स इधर बनेंगे। तो इस पूरी जो लेंथ है, ये जो लेंथ एल है, इसमें बहुत सारे डी एक्स होंगे, उन सब डी एक्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सारी इधर ही बनेंगी भाई। एक इलेक्ट्रिक फील्ड डी एक्स की वजह से इधर बनी, दूसरी भी इधर बनेगी, तीसरी भी इधर बनेगी, चौथी भी इधर बनेगी, तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर बनेंगी डी एक्स छोटे छोटे एलिमेंट के कारण। तो उन सब इलेक्ट्रिक फील्ड का जब तक हम सम नहीं कर लेंगे, तब इस पूरी लेंथ वायर के कारण जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नहीं निकाल पाएंगे। तो जाहिर है पूरे वायर के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, इसको निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन जरूरी है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्या करेंगे? ई नेट बराबर इसको इंटीग्रेट कर देंगे डी को। जब डी को इंटीग्रेट करेंगे, ये तो सम कर देता है इंटीग्रेशन का साइन, तो अब हमने क्या करा, डी की वैल्यू रख दी, डी की वैल्यू ये है के डी क्यू बटे एक्स स्क्वायर। अब चूंकि लिमिट लेके इंटीग्रेट करना होगा, इसके साथ लिमिट लेना पड़ेगी, पूरे वायर को कैसे लें? तो पूरे वायर को हमें लेने के लिए क्या करना होगा, ए से लेके, यहाँ ए से शुरू हुआ है और कहाँ तक चला है? एल तक। तो यानी कि अगर ये ए है और हमें जाना है एल और पार करनी है, तो ए से लिमिट कहाँ हो जाएगी? ए प्लस एल। अरे भाई एल से शुरुआत हुई है इसकी, ए से शुरुआत हुई है, ए डिस्टेंस चल के शुरू स्टार्टिंग हुई है इसकी, अब हमें कहाँ आना है? धीरे 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 यहाँ कहाँ आना है? एल तक आना है। तो एक लिमिट हो गई ये और दूसरी हो गई ये प्लस एल, तो यहाँ पर लग देंगे ए और यहाँ लिमिट ले लेंगे ए प्लस एल, यहाँ ले लेंगे ए और यहाँ ले लेंगे ए प्लस एल। अब हमने क्या किया, ई नेट को और आगे बढ़ाया, तो ई नेट बराबर हो गया, इसमें से देखिए के का कोई काम नहीं है। अच्छा चलिए अभी डी क्यू की वैल्यू रिप्लेस करते हैं यहाँ से। तो हमने लिखा ई नेट बराबर ए ए प्लस एल के, अब साथ में क्या है, डी क्यू, डी क्यू की जगह हम रख सकते हैं लैम्डा डी एक्स, तो हमने यहाँ लैम्डा डी एक्स रख दिया। और बटे में हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख दिया। लैम्डा चूंकि कांस्टेंट है भाई, लैम्डा तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि वायर की अगर एक बार
चार्ज्ड डेंसिटी पता चल गई तो वही रहेगी, चार्ज डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती, रेखीय आवेश घनत्व चेंज नहीं हो सकता, वो तो फिक्स हो गया। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, ये बैरी नहीं करेगा, चेंज नहीं होगा, तो इसको बाहर ले लेते हैं। बाहर ले लिया, के भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो बाहर ले लिया। नीचे से कुछ कांस्टेंट कॉमन नहीं, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है तो मन मान लिया। अब हमने क्या किया, हमारे पास बचा डीएक्स और हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर, लिमिट तो हमारे पास चली रही है ए और ए प्लस एल, डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ा है, लैम्डा के ही बचेगा। इसको हम लिख सकते हैं एक्स की घात माइनस दो, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव पावर हो जाएगी, और ये ए प्लस और ए प्लस एल ये ऐसे ही रहेगा। इंटीग्रेशन का रूल होता है कि उसमें एक पावर में उसकी एक जोड़ते हैं और जितना बचता है वही नीचे आता है, तो ये हो जाएगा x माइनस दो प्लस वन। अब ये बचा कितना, माइनस का वन बचा, वो यहाँ लिख देंगे और a प्लस एल यहाँ लगा देंगे। लैम्डा के ऐसे ही रहेगा, इसको थोड़ा और सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा x की घात माइनस वन बचेगा और ये माइनस वन यहाँ है। अब हमने क्या किया, लैम्डा के ऐसे ही रहने दिया, इसको और अच्छा करके लिखें तो लिख सकते हैं माइनस का वन अपॉन एक्स, भाई नीचे आएगा तो निगेटिव, ये जो माइनस की पावर है नीचे आकर प्लस हो जाएगी और ए ए प्लस एल। अब हम क्या करेंगे, लिमिट रख देंगे, लिमिट वैल्यू पुट करेंगे, ई नेट हमारा चल ही रहा है, बार बार हम इसको यहाँ लिख देंगे, ई नेट यहाँ सब जगह लिख देंगे, तो यहाँ हमने लिख दिया ई नेट, यहाँ पर भी लिख देंगे ई नेट, यहाँ पर भी लिख देंगे ई नेट, यहाँ पर भी लिखेंगे ई नेट और यहाँ पर भी लिखेंगे। अब ई नेट बराबर, अब लिमिट रखना रह गई, तो ई नेट बराबर सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो लैम्डा के अपर लिमिट माने उच्च सीमा और लोअर लिमिट माने निम्न सीमा, तो पहले उच्च सीमा की वैल्यू रखते हैं फिर निम्न की, तो पहले ऊपर वाली वैल्यू रखेंगे, तो ऊपर वाली वैल्यू रखेंगे तो x के स्थान पर रखेंगे, जहां x है वहां ये रख देंगे, तो माइनस वन अपॉन इतना। जब लोअर लिमिट रखते हैं तो एक माइनस आता है और एक माइनस यहां पहले है, तो जब नीचे की लिमिट रखेंगे तो प्लस बन जाएगा, ये प्लस वन अपॉन ए। अब चूंकि पॉजिटिव वाला पहले ले लो, पॉजिटिव वाला पहले ले लेंगे, पॉजिटिव वाला पहले, ये इसे इधर कर लो और इसे इधर कर दो, इसमें एलसीएम ले लो, ये क्रॉस गुणा कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा के प्लस माइनस कट गया तो लैम्डा के एल अपॉन ए ए प्लस एल, ये ई नेट चल रहा है। अब के ऐसे ही रहने दिया, लैम्डा एल इधर कर लिया, पास पास लिख दिए दोनों, ए ए प्लस एल ऐसे ही रहने दिया। अब लैम्डा एल किसके बराबर है, अगर हम लैम्डा एल निकालें, यहाँ से निकालें लैम्डा एल, यहाँ से हम इसको और आगे बढ़ाएं तो q बराबर लैम्डा एल आएगा, देखो क्रॉस गुणा हो जाए, इसकी गुणा इसमें हो जाए तो q बराबर आ जाएगा लैम्डा एल। इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा एल वहाँ है तो उसकी जगह हम q रख सकते हैं, तो यहाँ हमने q रख दिया, तो के क्यू अपॉन ए ए प्लस एल ई नेट ये आ गया हमारा, और इसकी यूनिट क्या होगी, n बाई सी। तो इस तरह से आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन माने रेखीय आवेश वितरण के कारण ए दूरी पर
इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दूरी कहाँ, यानी पी पॉइंट पर सारे सब एलिमेंट्स का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकल गया है। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।